नमस्कार, मैं हूं उदय उपाध्याय। आप देख रहे हैं आज के वर्तमान समसामयिक स्थितियां। एक तरफ कहा जाता है कि हम उस राष्ट्र के उपासक हैं, जनता हैं, जहां मुझे हिंदू के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं उदय उपाध्याय। आप देख रहे हैं आज के वर्तमान समसामयिक स्थितियां। एक तरफ कहा जाता है कि हम उस राष्ट्र के उपासक हैं, जनता हैं, जहां मुझे हिंदू के नाम से जाना जाता है। हिंदू यह कोई जात नहीं, यह एक संप्रदाय है, जहां सभी पर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावेत्, वसुधैव कुटुंबकम् का नारा देने वाला है। लेकिन आज कुछ ऐसे अराजकता फैलाने वाले, ऐसे कुछ विडंबना करने वाले हैं, पंथ है, संप्रदाय है, जो कि उसे हमेशा कलुषित करते हैं। इसी मुद्दा को लेकर के धर्मांतरण की बात आई थी पिछले कुछ दिनों से। या नवादा जिला के एक बहुत बड़ा संकल्पित चीज था, वह एक बहुत बड़ा एक स्थापित चीज था। मैं उनके बीच में, आप इनके संबंध में बताता हूँ, हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, क्या कहते हैं इस धर्मांतरण के बारे में महोदय? धर्मांतरण यही कि भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का, लेकिन उसमें जो भारतीय संविधान के तहत बाह्य आडंबर जो पाखंड है और जो शैतानी भूत प्रेत के नाम पर जो संविधान में भी गलत है, और उसको किसी एक विशेष मत वाले प्रचार कर रहे हैं, हमारे जो भोले भाले गरीब गुरबे लोग हैं, हरजन समुदाय के लोग हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं, अनपढ़ है, जो साक्षर नहीं है, उनको बहला फुसला करके बीमारी के नाम पर और तो मैंने उनको शोषण करते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि आप हमारे यहाँ ईश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएगा। क्या हमारे धर्म में भगवान एक है, ईश्वर एक है, एक संप्रदाय है, और ईश्वर के हम सभी संतान हैं, फिर यीशु या अन्य पंथ संप्रदाय से जोड़ने की क्या उद्देश्य है, क्या उनका उनकी क्या उपलब्धि है, क्या इसका विशेष? इसका सीधे साधा स्वामी दयानंद, महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के पहला नियम में उन्होंने लिखा है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर ने जो रचा है वो सत्य है, और उनके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, जो देवता है मातृ पितृ, और जो जड़ देवता है तो जड़ देवता में जो आ गया सूर्य चांद आकाश जो पृथ्वी है, यही हमारे मूल रूप से देवता है, जो देने वाले वो देवता है। लेकिन ये जो है विशेष मत संप्रदाय ईसाई मत के, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु पर आप विश्वास करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, और बाइबिल दे करके, जहां हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दे करके उनको अपने देश की असीमता को बचाने के लिए, और संविधान में न्यायालय के अंदर गीता पर हाथ रख करके हम कसम खाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले वंशजों को बाइबिल में हाथ में थमा करके और प्रचार करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, कि विशेष एक विशेष मत का प्रचार करते हैं कि तुम ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तित होकर के प्रभु पर विश्वास करो, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा, डायन चंडालनी भूत प्रेत सब खत्म हो जाएगा। ये सरासर अंधविश्वास है, और इसको बाबा साहब ने खंडन किया था। तो हम तो बाबा साहब को कहते हैं संविधान को मानो, बाइबिल को जो देकर दे रहे हैं वो तो एक विशेष मत का प्रचार कर रहे हैं, और ये भोले भाले लोगों को कर रहा है। जो हमारा देश जब बटेगा, जब जब हमारा देश बटा है, जब जब हमारा हिंदू घटा है, तो हमारा देश बटा है। खास तौर से शिक्षा और अंधविश्वास है ना, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, शिक्षा से दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, और वैसे शोषितों वंचितों का यह साम्राज्य फैलाना चाहता है और अपना धर्म पंथ में समाहित करना चाहता है। मैं जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मेंद्र जी? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो एक ईश्वर है, एक त्रैतवाद को जो हम मानते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति जो सत्य है, हम उसी में जिए, जिसमें हमारे माता पिता ने, जिसमें रघु ये हमारे जो मुख्य स्तंभ हैं, जो हमारे मुख्य महापुरुष हैं राम और कृष्ण, वो दोनों हैं कि वो कहते हैं कि राम से हम यही संदेश पाते हैं कि हमें मर्यादा में कैसे रहना है, ये हमें सीख मिलता है, और कृष्ण से हम ये सीखते हैं कि हमें मर्यादा में कैसे रखना है, ये हमें कृष्ण भगवान से शिक्षा लेते हैं, और हम सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम पहले किसी पर वार नहीं करते हैं, यदि हमारे ऊपर कोई वार करता तो हम उसे ऐसा वार करते हैं कि फिर दोबारा हमारे ऊपर मुँह उठा कर नहीं देखता है, जबकि भारत देश 500 वर्षों की गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा, यही फूट के कारण डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा है, और फिर यह सेवा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों को बरगला रहे हैं। तो ये थे हमारे धर्मेंद्र जी। कहा जाता है सनातन यह कोई धर्म नहीं, यह पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, यह एक जज्बा है, एक ज्वाला है,
जो कि हमें सभी हिंदू को, हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा, तभी हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा सफल होगा। मैं उदय उपाध्याय अपने सहयोगी कैमरा मैन विजय जी के साथ, धन्यवाद। हमारे प्रधान हैं हमारे समाज के और ये जिला सभा मंत्री। ठीक है, ठीक है।